हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर 4.2 भोली। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम इस चैप्टर के राइटर के ए अब्बास के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। के ए अब्बास कौन थे वह यहाँ पे थोड़ा सा परिचय दिया है, हम पढ़ लेते हैं। के ए अब्बास वाज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर, नोवेलिस्ट, स्क्रीन राइटर एंड ए जर्नलिस्ट इन द उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। यह भारतीय सिनेमा के एक बहुत ही माने जाने डायरेक्टर थे, पत्रकार थे और उपन्यासकार थे। साथ में वह स्क्रीन राइटर भी थे। वह उर्दू, हिंदी और इंग्लिश भाषा के पत्रकार थे। हिज फिल्म्स वॉन नेशनल अवार्ड, उनकी फिल्मों ने नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। ही इज़ कंसिडर वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडियन पैरेलल और न्यू रियलिस्टिक सिनेमा। वह अपने भारतीय समांतर और न्यू रियलिस्टिक सिनेमा के पायनियर, अग्रगामी माने जाते हैं। हिज कॉलम लास्ट पेज होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बींग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग कॉलम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में उनका जो लास्ट पेज करके कॉलम था वह बहुत अच्छा गौरव हासिल किया है। जो भोली चैप्टर है वह टू पार्ट में डिवाइड गया है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट वन। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। उसका नाम सुलेखा था लेकिन बचपन से ही लोग उसे भोली बोलते थे, सिंपलटन, उसकी सरलता, उसकी सिंपल, हाँ, उसकी सिंपलटन की वजह से लोग उसे भोली बोलते थे। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, पर नंबरदार रामलाल थे वह उनकी चौथी पुत्री थी। When she was 10 months old, जब वह 10 महीने की हुई, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वह 10 महीने की थी वह एक दिन कॉट, खटिए से गिर गई, सर के बगल खटिए से गिर गई, जिसके वजह से हो सकता है उसके दिमाग का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था। That was why she remained a backward child and came to known as the Bholi, the simpleton. जिसकी वजह से थोड़ी सी वह बुद्धिहीन रह गई और जिसकी वजह से लोग उसे भोली, सिंपलटन कहने लगे। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, बचपन के समय जब वो पैदा हुई थी बहुत ही गोरी और सुंदर थी। बट वेन सी वॉज टू ईयर्स ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसको देवी माँ निकल गई जब वह 2 साल की हुई। ओनली द आईज वेयर सेव्ड, बस उसकी आँखें बची थी, बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, और जो देवी माँ के दाग होते हैं, जो उसे दाग होते हैं, उस दाग की वजह से उसका पूरा शरीर बिगड़ गया था। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5, एंड वेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक सी स्टैमर। वह 5 साल तक कुछ भी बोल नहीं सकती थी, लेकिन जब उसने बोलना सीखा तो वह हकलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, और इसीलिए जो बच्चे हैं हमेशा उसका क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे। एज ए रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters, एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। रामलाल के 7 बच्चे थे जिसमें 3 लड़के और 4 लड़कियां थी, और जब सबसे छोटी लड़की थी वह भोली थी। इट वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। यह एक समृद्ध किसान की फैमिली थी जहाँ पे खाने पीने की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि थी। All the children except भोली were healthy and strong. सारे बच्चों को, भोली को छोड़ के सारे बच्चे healthy और strong थे। The sons had been sent to the city to study in school and later in college. बच्चों को सिटी में भेज दिया गया था कि स्कूल से वह कॉलेज जाने लगे। Of daughters राधा the eldest had already been married. लड़कियों में जो राधा सो सबसे बड़ी थी उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा, और उनकी जो दूसरी पुत्री थी मंगला उसकी भी शादी वह सेटल कर चुके थे, बस वह
थर्ड लड़की जो उनकी तीसरी लड़की थी चंपा, उसके बारे में सोच रहे थे। दे वेयर गुड लुकिंग हेल्थी गर्ल्स, उनकी जितनी भी लड़कियाँ थी बहुत ही अच्छी दिखती थी, बहुत सुंदर और बहुत ही हेल्थी थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और इन लड़कियों के लिए दुल्हा ढूंढना इतना डिफिकल्ट नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के प्रति बहुत ही चिंतित थे। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, वह ना अच्छी दिखती थी और ना ही बुद्धिमान थी। भोली वॉज 7 years old वेन मंगला वॉज मैरिड, भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, सेम उसी साल में एक उनके गांव में एक लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खुला। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए तहसीलदार साहब खुद ही वहाँ पर आए थे। ही सैड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, आप उन्होंने कहा कि आप रेवेन्यू ऑफिसर के एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो जो इस गांव से बिलोंग करते हो, और आप अपने बच्चे को स्कूल भेज करके, यू मस्ट सेंड टू योर डॉटर टू स्कूल, आप अपनी बच्ची को स्कूल ज़रूर भेजिए, आप गांव के लिए क्या एक मिसाल दे सकते हैं। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल अपनी वाइफ से इसके बारे में बात कर रहे थे, सी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, उन्होंने चिल्ला के, उनकी वाइफ चिल्ला के बोली कि आप पागल हो गए क्या, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास हिम्मत नहीं थी तहसीलदार के कहना को नकार दे। At last his wife said, I will tell you what to do. Last में उनकी पत्नी ने कहा कि मैं बताती हूँ वही करो, send भोली to school, स्कूल भोली को भेजो, as it is there is a little chance of her getting married, यहाँ पर थोड़ा सा मौका रहेगा कि उसकी शादी हो सकती है, with her ugly face and lack of sense, जो उसके पास दिमाग भी नहीं है और उसका फेस भी सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर चांस है हो सके उसकी शादी हो जाए। Let the teachers at school worry about her, थोड़ा चिंता टीचर को भी इसके बारे में करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाई द हैंड एंड सैड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विथ मी, चल मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुझे स्कूल ले चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई, सी डिड नॉट नो वाट ए स्कूल वॉज लाइक, भोली को पता नहीं था स्कूल का मतलब क्या होता है। सी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो द ओल्ड काऊ, उसको पता था कि कुछ दिन पहले जैसे उसके पुरानी गाय के साथ में हुआ था, लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, लक्ष्मी को घर से बाहर ले गया गया और उसे बेच दिया गया। न न नो नो नो, सी टाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, ऐसा ना ना कहते हुए वह डर के मारे अपने हाथ को पापा के हाथ से खींच लिया। What's the matter with you, you fool? Shouted रामलाल, रामलाल गुस्सा के बोले कि तुझे क्या हो गया है मूर्ख? I am only taking you to school, मैं तुझे केवल स्कूल लेके जा रहा हूँ। Then he told his wife, तब उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, let her wear some decent clothes today, आज उसको कुछ नए कपड़े पहना दो, और else what will the teacher and the other school girls think of us when they see her, तब अगर उसके स्कूल के टीचर और अदर स्कूल की जो लड़कियां हैं देखेंगी तो हमारे बारे में क्या बोलेंगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए आज तक कभी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वेयर पास्ड ऑन टू हर, उनकी बहनों के जो पुराने कपड़े होते थे वही उसको मिल जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ, कोई भी उसके कपड़े की मरम्मत नहीं करता था और ना ही कोई उसको धुलता था। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washing and no longer fitted Champa. आज वह बहुत ही लकी थी, भाग्यवान थी कि उसको एक साफ सुथरा कपड़ा मिल रहा है, वो भी कई बार वॉशिंग, कई बार धोने के बाद सिकुड़ चुका था, जो चंपा को फिट नहीं हो रहा था। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair.
बाद में उसके बालों पर उसे अच्छे से नहलाया गया और उसके बालों पे तेल लगाया गया, सूखे बालों पे तेल लगाया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. तब आखिरकार उसको विश्वास हो गया कि अब उसको उसके घर की अपेक्षा कहीं अच्छे जगह ले जाया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classroom. जब वे रामलाल अपनी बच्ची को लेकर स्कूल पहुँचे तो बच्चे ऑलरेडी अपने क्लासरूम में बैठे थे। रामलाल handed over his daughter to the हेड मिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी पुत्री को वहाँ की मुख्याध्यापिका को सौंप दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुकड अबाउट हर विथ ए फियर लैडन आई। अपनी लड़की को छोड़ के वह चल दिए और वह बेचारी भरी आँखों से देखती रही। देयर वेयर सेवरल रूम्स, वहाँ पे कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट। वहाँ पे हर रूम में लड़कियाँ पलथी मार के चटाई पे बैठी हुई थी, बुक पढ़ रही थी और कुछ स्लेट पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। एक क्लासरूम में वहाँ की मुख्याध्यापिका ने भोली को बैठने के लिए कह दिया। भोली डिड नॉट नो वाट एग्जैक्टली ए स्कूल वॉज लाइक एंड वाट हैपेंड देयर। भोली को पता नहीं था स्कूल मतलब होता क्या है और वहाँ पे क्या होता है। बट सी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन वो बहुत खुश हुई कि उसकी हम उम्र की कई लड़कियाँ वहाँ पे दिखीं। सी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकेम हर फ्रेंड। वह सोचने लगी, वह आशा करने लगी कोई न कोई लड़की उसकी सहेली जरूर बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। वहाँ पे जो लेडीज टीचर थी क्लास में वह लड़कियों से कुछ कह रही थी, कुछ बता रही थी, लेकिन भोली को वह समझ में नहीं आया। सी लुकड एट द पिक्चर ऑन द वॉल। वह वॉल पे लगी, दीवार पे लगी हुई पिक्चर को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। जो रंग थे उसे मोहित कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। वहाँ पे वह घोड़ा वैसा ही भूरा कलर का था जैसे घोड़े पे तहसीलदार बैठ के उसके गांव में आते हैं। द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर। वह बकरी वैसी ही काली थी जैसी काली उनके पड़ोस में थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्किड। और जो आम के बगीचे में उसने हरे कलर का पैरट देखा था वैसा ही हरा कलर का पैरट, हरे कलर का तोता यहाँ भी था। एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और गाय भी उसकी गाय लक्ष्मी की तरह ही दिखाई दे रही थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर। और अचानक भोली ने ध्यान दिया कि टीचर उसके पास में खड़ी है और उससे देख कर मुस्कुरा रही है। What's your name, little one? बेबी तुम्हारा नाम क्या है? भो 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 सी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट। वह भ भ करके रह गई और हकलाती रही लेकिन आगे बोल नहीं पाई। देन सी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड। तब वह रोने लगी और उसकी आँखों से आंसू बाढ़ की तरह आंसू निकल गए। सी केप्ट हर हेड डाउन एट सी सैट इन हर कॉर्नर। वह अपनी मुंडी नीचे करके एक कॉर्नर में बैठी रही, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु सी न्यू वेयर स्टिल लॉफिंग एट हर। और उसकी हिम्मत नहीं थी कि उन लड़कियों को ऊपर देखे जो लड़कियां उसके ऊपर हंस रही थी। वेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्कूरिड आउट ऑफ द क्लासरूम। सारी लड़कियां क्लासरूम छोड़ के बाहर चली गई। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर। लेकिन भोली की हिम्मत ही नहीं थी कि उस कॉर्नर को छोड़ के जाए। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका अभी भी सर नीचे झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सोबिंग, वह सिसकियां ले रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग। टीचर की आवाज़ बहुत ही मुलायम और बहुत ही सांत्वना देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। उसकी ज़िंदगी में आज तक कभी किसी ने इस तरह उसे नहीं बुलाया। इट टच्ड हर हार्ट। टीचर की इस आवाज़ ने उसके दिल को छू लिया।
Get upset the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. भोली got up. टीचर ने उसे कहा उठो. यह कोई आदेश नहीं था बल्कि यह मित्रतापूर्ण भरा सजेशन था. भोली उठ गई. Now tell me your name. चलो आप अपना मुझे नाम बताओ. Sweat broke out over her whole body. उसके पूरे बॉडी में पसीना आने लगा. Would her stammering tongue again disgrace her? फिर क्या वही उसकी हकलाने वाली जबान उसको फिर से शर्मिंदा कर देगी? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. लेकिन इतनी अच्छी टीचर थी जिसकी वजह से उसने बोला कि मैं एक बार जरूर कोशिश करूँगी. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. टीचर की आवाज़ कितनी सूथिंग है, कितनी सुखदायक है, वह जरूर मेरे ऊपर हंसेगी नहीं. भ भ भो भो सी बिगन टू स्टैमर. फिर से वह हकलाने लगी भ भ करके. वेल डन बहुत अच्छा बहुत अच्छा. द टीचर इनकरेज हर. टीचर ने उसको प्रोत्साहित करते हुए कहा कि बहुत अच्छा. कम ऑन नाउ द फुल नेम. चलो अब अपना पूरा नाम बताओ. भ भ भो 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 भोली. एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट. और लास्ट में वह अपना पूरा नाम बोल पाई. फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट. और उसे बहुत ही बड़ा रिलीव महसूस हुआ क्योंकि यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी. वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सैड. टीचर ने उसकी फिर थपथपाया और उसे बोला बहुत अच्छा. पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स. अपने इस डर को अपने दिल से बाहर निकाल दो. जैसे हर कोई बोलता है वैसे आप भी बोलने लगोगी. भोली लुकड अप एज इफ टू आस्क. रियली? भोली ने ऊपर देखा और उसे पूछा सच्ची में? यस यस इट विल बी वेरी ईजी. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. विल यू कम? हाँ हाँ यह बहुत ही आसान है लेकिन आपको हर दिन स्कूल आना पड़ेगा. क्या आप आओगी? भोली नोडेड. भोली ने सिर हिलाया. टीचर ने कहा नो से इट अलाउड. जोर से कहो. सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा. ये यस. एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टॉनिश्ड दैट सी हैड बीन एबल टू से इट. और भोली को खुद ही आश्चर्य हो रहा था कि वह कैसे सही सही बोल ले रही है. Didn't I tell you? Now take this book. मैंने कहा नहीं था तुमसे कि तुम बहुत अच्छा बोल लोगी? लो ये बुक ले लो. टीचर ने कहा. The book was full of nice pictures and the pictures were in color dog, cat, goat, house, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. और टीचर ने जो बुक दी वह बहुत ही ढेर सारे पिक्चर कलरफुल पिक्चर से भरी हुई थी जिसमें डॉग थे, जिसमें कुत्ता था, बिल्ली थी, बकरी थी, घर था, तोता था, शेर था, साथ में लक्ष्मी जैसी दिखने वाली गाय भी थी. एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर. और सारे पिक्चर के साथ में एक बड़े अक्षरों में उस पिक्चर का नाम भी वहाँ पे लिखा था. इन वन मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक. एक महीने में आप यह बुक पढ़ना सीख लोगी. देन आई विल गिव यू बिगर बुक. तब मैं आपको इससे भी बड़ी बुक दूंगी. देन आई स्टिल बिगर वन. और इससे भी बड़ी दूंगी. इट इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एवरी वन इज इन द विलेज. एक दिन ऐसा आएगा कि गाँव में जितने पढ़े लिखे हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बन जाओगी. Then no one will ever be able to laugh at you. तब आप पे कोई हिम्मत नहीं करेगा हंसने की. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. तब लोग आपको इज्जत से सुनेंगे. आपकी भाषा को तब लोग आपको इज्जत से सुनेंगे और आप उनको बिना हकलाए हुए बात कर सकोगी. Understand? समझी? Now go home and come back early tomorrow morning. अब घर पे जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना. भोली felt as if suddenly all the bells in the village temples were ringing and the trees in front of the school houses had blossomed into big red flowers. तब तक भोली को ऐसा महसूस होने लगा कि अचानक गांव के जितने भी मंदिर हैं सबकी घंटियां बजने लगी और जो उसके स्कूल के सामने पेड़ थे उसमें लाल कलर के फूल खिल गए हैं. हर्ट वॉज थ्रोबिंग विद द न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ. अब उसका दिल एक नई आशा और नई जिंदगी के लिए धड़कने लगा. फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन.